देहरादून से अहम खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल बसपा विधायक सुरेंद्र राकेश के आकस्मिक निधन के बाद आज विधानसभा में एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद विधानसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। हम आपको बता दें कि भगवानपुर से विधायक थे सुरेंद्र राकेश और सरकार में परिवहन मंत्री थे सुरेश राकेश, जिनके आकस्मिक निधन के बाद आज विधानसभा में एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया और विधानसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देहरादून से इस वक्त की हम अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भगवानपुर के विधायक और इस मामले में अधिक जानकारी के लिए विक्रम श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ हमसे जुड़ चुके हैं। विक्रम, किस तरह से पूरा स्थगित कर दिया गया है, क्या था पूरा मामला? जी हाँ, देखिए, जिस तरह से बीएसटी कोटे से विधायक सुरेंद्र राकेश का आकस्मिक निधन हो गया था, वो उत्तराखंड सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उनके आकस्मिक निधन को सदन ने शोक प्रस्ताव के रूप में लाया। संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही शोक प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा, जिसके बाद नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने उनके जो कार्य थे उनको साझा करते हुए सदन में बताया कि किस तरह के वो व्यक्ति थे, किस तरह का उनका नेचर था, किस तरह क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के जो है वो लड़ाई लड़ते थे। मुझे इस बात को कहा कि उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि देखिए, आप किसी को भी मेरे सामने खड़ा करिए, लेकिन मैं जीतूंगा जीतूंगा। तो उनके जो नेचर था, उनके नेचर को यहाँ पे सदन में सबने बताया और ये भी बताया कि किस तरह के व्यक्ति थे और कितना उत्तराखंड की जनता जो उनको याद करेगी। बहुत कम समय की अल्प आयु में उनकी तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि देहरादून में विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।